हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी आनंद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं बाल्टी में गिरे दो चूहे के बच्चों को। जी हां, खाली बाल्टी थी और चूहों की संख्या घर में बढ़ गई थी। दो चूहे के बच्चे खेलते खेलते कूद गए बाल्टी में। ये बच्चे जंप करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जीव हत्या पाप है, सबसे बड़ा अभिशाप है। जीवों पर दया का भाव रखें, जीव जंतुओं को न मारें। ऐसे भी चूहेदानी का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, ऐसी चूहेदानी भी बाज़ार में आती है जिसमें चूहे आराम से फंसने के बाद जिंदा रहते हैं, उन्हें आप जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार बने रहिए और बाल्टी में गिरे चूहे को बच्चों को देखिए कैसे चहलकदमी करते हैं। बच्चे कैसे जान बचाने की जुगत करते हैं, देख सकते हैं आप। लगातार हमारे कैमरामैन बड़ी मुश्किल से ऐसे वीडियो को आपके पास लाते हैं और दिखाते हैं। अभी तुरंत इन चूहों को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि स्वरांजलि सेवा संस्थान परिवार, स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट शाकाहारी लोगों का ट्रस्ट है, शाकाहारी लोगों की संस्था है। हम सभी जीव हत्या करने की सलाह नहीं देते हैं। यदि आपको स्वरांजलि सेवा संस्थान से जुड़ना है तो हमें कॉल करें 9693014118। यदि आप नेपाल से हैं तो भी जुड़ सकते हैं 9815788530। आप इस नंबर पर कॉल करें और स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट के मेंबर बने। नेपाल का हेल्पलाइन 9815788530 और इंडिया का हेल्पलाइन 9693014118। स्वरांजलि सेवा संस्थान, चूहा गणेश भगवान की सवारी है, चूहा को न मारें, इसे जंगल में छोड़ दें।